कर दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलता हुआ नजर आने वाला है दोस्तों। जब आप लोग देखेंगे, ऋषि ने इस समय पूरी तरीके से प्लानिंग बना ली है कि किसी भी तरीके से इस समय विक्रांत को एक्सपोज करना है, क्योंकि जिस शख्स से मिला है उस पर इस समय फोटो भी है, जो कि सलोनी की फोटो निकलने वाली है दोस्तों। क्योंकि ऋषि को संकेत मिल गया था कि हाँ, ये शादी तो 101% ही ना होने वाली किसी भी तरीका से। आप लोग जानते ही हैं कि सभी लोग हैरान नहीं बल्कि इस समय बेहद ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि रीज़न भी एक रीज़न तो हो ही नहीं सकता, बल्कि रीज़न भी कई देखने को मिलते हुए नज़र आने वाले हैं दोस्तों। आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि सभी लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि कुछ इस तरीका से भी देखने को मिलने वाला है। साथ ही दोस्तों, आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस समय की बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर मलिष्का बोलती हुई नज़र आ रही है कि ये शादी तो हर हालत में, हर सूरत पर होकर रहेगी, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। आप लोग जानते ही हैं कि कहानी में ट्विस्ट तो आएगा ही, लेकिन साथ ही दोस्तों यहां पर मलिष्का को भी एक्सपोज किया जाएगा, क्योंकि मलिष्का को पता भी थी कि हाँ, किसी भी तरीका से एक दूसरे के साथ नहीं है ये, लेकिन फिर भी उसने बहुत चेंजेस किया है। साथ ही दोस्तों, नीलम इस समय थोड़ा सा टेंशन में चल रही है कि ऋषि की शादी के लिए मलिष्का का क्या होगा, क्योंकि दोस्तों इसलिए वो लक्ष्मी की शादी विक्रांत से कराने जा रही है दोस्तों। आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि यहां पर कहानी एक नहीं बल्कि इस समय कई अलग अलग तरीक़े से ट्विस्ट भी देखने को मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि जल्दी ही आप लोगों के बीच में बेहद बड़ी खबर देखने को मिलेगी, जब साफ साफ ऋषि बोलता नज़र आएगा कि इसको गिरफ्तार कर लीजिए विक्रांत जैसे झूठे को, क्योंकि पहली शादी के होते हुए ये दूसरी शादी कर रहा है। साथ ही दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कॉमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइएगा इस कैसे लग रही है आपको मेरी।